गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? सो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड लेसन नंबर 14 विच इज फ्रीकी इन्वेंशन. ओके, सो इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द फ्रीकी इन्वेंशन, यानी कि कुछ ऐसे इन्वेंशंस के बारे में हम आज जानेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं. ओके, सो जस्ट ओपन योर बुक, पेज नंबर 22. ओके, जस्ट ओपन पेज नंबर 22. ऑल राइट, सो इन दिस लेसन देर आर सम क्वेश्चंस हैज गिवन, सो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन टू यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सो जस्ट फिल द आंसर इन योर बुक. ओके, एंड आफ्टरवर्ड राइट ऑल द क्वेश्चंस इन योर फियर कॉपी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द लेसन. सो योर हेडिंग इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. दिस इज योर लेसन फ्रीकी इन्वेंशन. Now point number one is, this invention was made by Walter Hunt in 1849 in just 3 hours. This little object made with a piece of wire is used the world over to clutch or grip cloths together. यह जो invention है उसको Walter Hunt ने 1849 में सिर्फ 3 घंटे में बना दिया था. और यह जो एक इन्वेंशन है इसका इस्तेमाल करते हैं लोग किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए और मोस्टली कपड़ों को स्टिच करने के लिए, जॉइंट लगाने के लिए. सो यू कैन सी द पिक्चर्स विच फ्रीकी इन्वेंशन दिस इज. दिस इज सेफ्टी पिन. यस, दिस इज सेफ्टी पिन. जस्ट फिल आंसर इन योर बुक सेफ्टी पिन. नाउ पॉइंट नंबर टू इज This invention was made in 1955 by George D. Mestral when he noticed that prickly plant called cucullber got temporarily caught in his dog's fur. Today, it is used to fasten shoes, clothes, bag and all kinds of things to open the ends are simply ripped apart. तो यह जो फ्रीकी इन्वेंशन है इसको 1955 में जॉर्ज डी मेस्ट्रल ने बनाया था. उन्होंने एक बार देखा कि एक प्लांट था जिसका नाम था कुकलबर. उस प्लांट के कुछ रेशे उनके डॉग्स के पंख मतलब बालों में चिपक के रह गए. तो इसके बाद उनको आइडिया आया इसको बनाने का. तो उसके बाद इन्होंने इस फ्रीकी इन्वेंशन को बनाया जिसका इस्तेमाल आजकल हमारे स्कूल बैग, हमारे शूज़ के सैंडल्स और भी कई तरह की चीज़ों में होता है जो आसानी से फ्लिप हो जाता है, रिप्ड हो जाता है. ऑलराइट, सो द राइट आंसर इज वेलक्रो. वेलक्रो इज अ राइट आंसर. ओके, वेलक्रो. नाउ पॉइंट नंबर थर्ड इज, इन 1899 जोहान वेलरी डिजाइन दिस टीनी थिंग्स ओरिजिनली इन्वेंटेड बाय मैथ्यू स्कूली यूजिंग अ फ्लैट लूप एंड लैग. दिस सिंगल पीस ऑफ वायर कीप्स पेपर टुगेदर. इट मीन्स दिस फ्रीकी इन्वेंशन विल कीप्स पेपर टुगेदर. सो द राइट आंसर इज पेपर क्लिप. You can see the pictures. These are the paper clip. Okay. Just fill answer in your book. Paper clip. Paper clip. Now point number four is this invention was a first used to fasten boots and shoes in piece of button or buckles and was invented by Whitcomb L. Judson. So you can see the pictures. Which freaky invention this is? This is zip fastener. Zip fastener, chain. Chain का आविष्कार जो है वो किया है Whitcomb L. Judson ने. Okay. So point number four has completed. Now point number five is, in 1974 Arthur Fry invented this sticky paper note that was reusable, stuck to surface, and when peeled off left no trace. तो उन्होंने इस फ्रीकी इन्वेंशन को बनाया जो कि रीयूजबल है. ऑल राइट, यू कैन सी द पिक्चर. दीज आर द फ्रीकी इन्वेंशन विच हैज इन्वेंटेड बाय आर्थर फ्राई. द राइट आंसर इज पोस्ट इट नोट्स. पोस्ट इट नोट्स इज द राइट आंसर. पॉइंट नंबर फाइव पोस्ट इट नोट्स. नाउ पॉइंट नंबर सिक्स इज, In 1945, Hungarian Lizalo Joseph Biro used the idea of making ink flow through a tinny ball
इन अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेड इज अ प्रैक्टिकल एंड यूजेबल इन्वेंशन, इट इज स्टिल इन यूज। तो 1945 में इन जो ये हमारे साइंटिस्ट कह सकते हैं जिनके अंदर ये इन्वेंटर सॉरी जिनके अंदर ये आइडिया आया कि हम कुछ ऐसा बनाएं जिससे कि इंक बाहर निकले और उसका इस्तेमाल हम लिखने के लिए कर सकें। सो उनके दिमाग में ये आइडिया आया, फिर उसके बाद उन्होंने स्प्री के इन्वेंशन को इन्वेंट किया। सो द राइट आंसर इज बॉल पॉइंट पेन। बॉल पॉइंट पेन इज द राइट आंसर ऑफ पॉइंट नंबर 6। नाउ पॉइंट नंबर सेवन दिस इन्वेंशन मार्वल चेस्टर स्टोन ऑफ USA इन 1886 वॉज ओरिजिनली यूज टू ड्रिंक लिक्विड यूजिंग पाइप मेड ऑफ पेपर। यू कैन सी द पिक्चर्स विच फ्री की इन्वेंशन दिस इज। ये आपने बहुत ज़्यादा मार्केट में रेस्टोरेंट में देखे होंगे। दीज आर ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। सो पॉइंट नंबर 7 इज ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। नाउ पॉइंट नंबर 8 इज दिस इन्वेंशन वॉज इनिशियली नेम मिस्टेक आउट 1951 बाय इन्वेंटर बेटल एंड ग्राहम नेस्मिथ नो एज लिक्विड पेपर। इट वॉज यूज टू कवर अप टाइपिंग एरर। तो यह जो फ्रीकी इन्वेंशन है इसको बनाया गया है किसी भी मैटर को हाइड करने के लिए। अगर हमसे कुछ गड़बड़ हो जाता है टाइप करते वक्त तो हम उसको हाइड कर देते हैं। दिस इज़ अ वन काइंड ऑफ वाइटनर। ओके सो द राइट आंसर इज करेक्शन फ्लूइड। दिस इज करेक्शन फ्लूइड। जस्ट फिल आंसर इन पॉइंट नंबर 8 करेक्शन फ्लूइड। नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेसन इज दिस इन्वेंशन मेड बाय जोहान एडवर्ड लंडस्ट्रॉम इन 1855 यूज द स्टेबल रेड फास्फोरस टू प्रोडक्ट अ क्विक ईजी एंड सेफ वे ऑफ मेकिंग फायर। तो ये जो इन्वेंशन है इसको जोहान एडवर्ड ने बनाया था। तो जोहान एडवर्ड लंडस्ट्रॉम ने इस फ्रीकी इन्वेंशन को इन्वेंट किया है ताकि फायर को आसानी से हम बना सकें। सो द राइट आंसर इज सेफ्टी मैचेस। सेफ्टी मैचेस द राइट आंसर। पुराने ज़माने में तो इंसान पत्थर में पत्थर रगड़कर आग जलाया करते थे, पर आज के समय में हमारे पास मैच बॉक्स है जिससे हम आसानी से आग बना सकते हैं। सो स्टूडेंट योर लेसन हैज़ कंप्लीटेड। ऑल 9 पॉइंट आई हैव एक्सप्लेन टू यू। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया हो। सो जस्ट राइट ऑल द क्वेश्चंस इन योर फेयर कॉपी एंड ऑल्सो लर्न ऑल द क्वेश्चंस। ऑल राइट सो टिल वेन स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडी। बाय बाय।